ये ऑयल तो हमारे किचन से ही हटना चाहिए। मतलब ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं। रिफाइंड ऑयल में बेसिकली क्या होता है कि उनको साफ करने के लिए गंधक का इस्तेमाल होता है, और जब गंधक किसी भी चीज़ में डाली जाती है तो वो एसिड कंटेंट बन जाता है वो पूरा, और जब हम उसको खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी एसिड बनती है और हम और ऊपर से एसिडिक खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, कब्जियत बढ़ती है, लीवर कमज़ोर होता है और ब्लॉकेज की समस्या भी होती है। तो ये चीज़ जो है, आप डायरेक्टली, आप चाहें तो छोटा इंस्ट्रूमेंट रखें तो आप घर में खुद से भी 8-10 हज़ार के इंस्ट्रूमेंट से ऑयल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मूंगफली जैविक कहीं से मिल जाए तो आप ठीक है मूंगफली का ऑयल निकाल लीजिए, तिल मिल जाए तिल निकाल लीजिए, तो ये सारे ऑयल आप खुद से निकाल सकते हैं। और अगर बड़ा सेटअप करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी बड़ी मशीनरीज करना पड़ेगी, 1-1.25 लाख रुपए का सेटअप करना पड़ेगा, तो उसमें फिर आप बल्क में क्वांटिटी में वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास तिल का तेल है, कच्ची घानी का, नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल है और सरसों का तेल है। सरसों यहाँ पे नहीं रखा है पर है, तो ये सारे हमने कच्ची घानी से ऑयल बनाए हुए हैं, और इन ऑयल का आप लोग भी इस्तेमाल करें ताकि जो है हमारी बॉडी में फैट जमा ना हो और लीवर और बाकी सारे जो फंक्शन है वो अच्छे से चलते रहे। मूंगफली यहीं पे उगाते हैं। हाँ, अच्छा और सर, नहीं आप रोज तो यही खाते हैं? जो अपने और फार्मर हैं तो उनसे उगा के और फिर मूंगफली लेके और सर उसको आप सकते रोज हैं। यही खाते हैं? हाँ ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना अपना ये घी है जो अपने, हाँ, गौशाला से मैदा और देसी विधि से बना है, बहुत अल्टीमेट प्रोसेस है, दिलाना और तो इसको सही हम जो है ना बहुत चीपर, मतलब जो हमारी एक टके की जो प्राइस आती है कि हाँ भाई बस ये कॉस्ट है हमारी, उसी कॉस्ट पे हम लोग इसको देते हैं।